Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy, and today we'll be starting with the last topic of chapter number 7, control and coordination, that is animal hormones. Hormones ke bare mein humne pehle bhi baat ki hai ki what are hormones. Hormones kya hote hain, kuch special chemicals hote hain jo glands mein se secrete hote hain, matlab glands mein se nikalte hain, unhe bolte hain hormones. Aur glands kya hote hain, glands are the specialized tissue विथ सीक्रेट्स हॉर्मोन. जो ग्लैंड्स का क्या काम है, हॉर्मोन सीक्रेट करना. हम समटाइम्स इनको एंजाइम्स भी बोलते हैं. इन हॉर्मोन्स को हम एंजाइम्स भी बोलते हैं, ठीक है. तो हॉर्मोन्स का काम क्या होता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, केमिकल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है बिटवीन ब्रेन एंड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितने टाइप के ग्लैंड्स होते हैं. दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द नेक्स्ट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड. इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड की, पर हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है. एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है कोई भी दो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के बीच में, वो ब्लड के थ्रू जाता है. मतलब जब ये हॉर्मोन्स कम्युनिकेशन की जब मैं बात करूँ, अगर मैं कम्युनिकेशन बोलूँ तो मतलब हॉर्मोन्स. तो एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होगा कि जो हॉर्मोन्स है वो ब्लड के थ्रू एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाएंगे. फॉर एग्जांपल ब्रेन को अगर मेरे किडनी को अगर सपोज मैसेज देना है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो मेरा हॉर्मोन है वो सीक्रेट होगा, ब्रेन के थ्रू मेरे किडनी तक जाएगा और वो मैसेज फिर किडनी को मिल जाएगा, ठीक है. यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड में जो कम्युनिकेशन है, जो हॉर्मोन्स है, वो ब्लड के थ्रू जाता है. एक्सोक्राइन ग्लैंड में ब्लड के थ्रू नहीं जाता, तो किसके थ्रू जाता है, एक स्पेशलाइज्ड उनके लिए एक स्पेशल पाथ बनाया जाता है जिसको बोलते हैं डक्ट. तो जो वो हॉर्मोन्स है वो डक्ट के थ्रू जाएंगे जहाँ तक उनको कम्युनिकेशन पहुँचानी है, ठीक है. तो एंडोक्राइन ग्लैंड में ब्लड के थ्रू कम्युनिकेशन जाता है, ब्लड के थ्रू हॉर्मोन्स जाते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो हॉर्मोन्स है वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू के थ्रू जाते हैं, स्पेशलाइज्ड डक्ट के थ्रू जाते हैं, ठीक है. हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड पहले भी देखा हुआ है, रिकॉल करते हैं. हमने जब डाइजेशन देखा था, डाइजेशन में हमने देखा था कि जो पेनक्रियाज है वो अपने पेनक्रियाटिक जूस स्टमक तक पहुंचाते हैं. तो जो वो पेनक्रियाटिक जूस है वो एक स्पेशलाइज्ड डक्ट होती है, उसके थ्रू पेनक्रियाज अपना जूस स्टमक तक पहुँचाते हैं. सेम गोज़ विथ बाइल जूस. जो लीवर है, बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होता है, लिवर के थ्रू. देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि ये है जो हमारा बाइल लिवर है वो हमारा बाइल जूस सीक्रेट करता है, और ये जो बाइल जूस है वो बाइल डक्ट के थ्रू स्टमक में जाता है, ठीक है. तो ये हमने बात कर ली एक्सोक्राइन ग्लैंड की. हम यहीं पे एक्सोक्राइन ग्लैंड को ख़त्म करेंगे. कमिंग टू द मेन एंड जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता, क्योंकि जितनी भी ब्लड की नर्व्स है वो उसी के थ्रू, अब ब्लड तो हमारे हर कहीं पे जा रहा है तो उसके थ्रू हर एक सेल तक वो मैसेज को कम्युनिकेट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल थायराइड, पेनक्रियाज, ये तो दो ही एग्जांपल है. आगे हम पूरा डिटेल में सारे ग्लैंड्स, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो ये छोटा सा डिफरेंस हो गया बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड. ये है हमारा ह्यूमन बॉडी, थोड़ा सा अजीब है पर ठीक है. ये जो हमारे राइट साइड पे है, मतलब ये वाला जो साइड है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम पहले ये वाले साइड को पूरा कम्प्लीटली अच्छे तरीके से करेंगे. ये भी तुम्हारी बुक्स में दे रखा है, वन मार्क क्वेश्चन या फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, और इन सब में पूछ लेते हैं, पर डिटेल में इन सब पे नहीं आता. तो जो हम डिटेल में करेंगे वो हम पहले ये करेंगे, ओके. सो द फर्स्ट इज, यहाँ पे मैंने लिखे हैं पहले ग्लैंड्स फिर हॉर्मोन्स, ठीक है. मतलब कि कौन से ग्लैंड्स हैं और उन ग्लैंड्स में से कौन से हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं. हर ग्लैंड अलग अलग टाइप के हॉर्मोन सीक्रेट करता है, अलग अलग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सीक्रेट करता है. हर एक ग्लैंड का अलग अलग फंक्शन है कम्युनिकेशन देने का. जैसे फर्स्ट आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो अभी हमने एग्जांपल में भी देखा था. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कम्युनिकेशन देता है, हमारी बॉडी को कम्युनिकेशन देता है कि कितना ग्रो करना है बॉडी को, ठीक है. तो
तो जिसकी वजह से कितनी हाइट होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होता ना, जैसे हमने प्लांट्स में भी देखा था कि प्लांट्स के ऐसे नहीं कि प्लांट बढ़ते ही जा रहे बढ़ते ही जा रहे, वैसे ही सेम हमारे एनिमल्स में भी होता है। एनिमल्स की भी एक हाइट कहीं पे आके स्टॉप हो जाती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन है, साथ में वो अदर हार्मोन्स भी स्टिमुलेट करता है। फर्स्ट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, सेकेंड इज़ थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर सिचुएटेड है, हमने ब्रेन में पहले देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हमारा ब्रेन होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम के नीचे एक पी शेप्ड पी शेप्ड हमने देखा था। हम एक बार वापस से देखते हैं। हाँ ये रहा, ये हमने यहाँ पे देखा था, ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस वन इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हमारे ब्रेन के नीचे सिचुएटेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। जब हम इसके फंक्शन देखेंगे तब हम ये करेंगे। हाँ तो फर्स्ट हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे बो शेप्ड का रहता है थायराइड ग्लैंड, जो कि हार्मोन सीक्रेट करता है थायरोक्सिन। फिर आता है हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज दोनों टाइप के ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था एग्जाम्पल में, ये रहा, यहाँ पे अभी हमने देखा था एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमने पेनक्रियाज देखा था। यस, पेनक्रियाज दोनों तरीके से कम्युनिकेशन करता है, ब्लड के थ्रू भी कम्युनिकेशन करता है और पेनक्रियाज के पास एक अलग से डक्ट भी होता है जिसके थ्रू वो अपना कम्युनिकेशन करता है। तो ये हो गया पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है, कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। फोर्थ एडेनल एडेनल ग्लैंड, जो कि एडेनलिन सीक्रेट करता है, जिसकी पोजीशन हमारी जो किडनी है ये रहा किडनी के जस्ट ऊपर, ये है हमारे एडेनल, और ये है इसके नीचे जो हमने देखा था वो थे हमारे पेनक्रियाज। टेक्स्ट बुक में काफ़ी अच्छे से इसका डायग्राम दिया हुआ है, एक बार वो सब देख लेना। फिर है हमारा ओवरीज, फीमेल में आती है ओवरीज जो ग्लैंड है और मेल में आती है टेस्टिस। ओवरीज जो हार्मोन सीक्रेट करती है वो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और यहाँ पर मैंने ये लिख रखा है टेस्टिस, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है। ये हमारे हो गए मेन ग्लैंड्स जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो पहले हम इनको अच्छी तरीके से कर लेते हैं फिर हम बाकी के ग्लैंड्स पे आएंगे। एक बार ओवरव्यू, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, एडर्नल ग्लैंड, ओवरीज एंड टेस्टिस, सबके अलग अलग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एडर्नलिन, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन, ये सारे हमारे हो गए हार्मोन्स। अब यहाँ पे आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। सपोज़ अभी ये हमारे हार्मोन है, इनका स्पेसिफाइड क्या क्या फंक्शन है, क्या होगा कि अगर ये ज़्यादा सीक्रेट हो जाएंगे, क्या होगा अगर ये कम सीक्रेट होंगे। तो कमिंग टू फर्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक्सेस में सीक्रेट हो जाएगा तो क्या होगा, हाइट एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं एकदम से बहुत बहुत एक्सट्रीम में बढ़ने लग जाएंगे। जो अभी नॉर्मल अभी के टाइम पे जो नॉर्मल हाइट होती है वो होती है 5'5" 6'6" 5', इतनी हम नॉर्मल अज्यूम कर लेते हैं, पर सपोज़ एकदम ही बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कभी कभी कोई हो जाता है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसके ज़्यादा होने की वजह से वो होता है, और उस चीज़ को बोल देते हैं जायजेंटिज्म। जायंट, जायंट मतलब बहुत बड़ा, तो जब इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तो उसको बोलते हैं जायजेंटिज्म, और जब ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट होता है, लैक ऑफ ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो वो एकदम छोटे छोटे हाइट एकदम छोटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा छोटी, 5'4" 5'4", इसको हम छोटी नहीं कहेंगे, बहुत छोटे, एकदम जो बोने होते हैं जो हम देखते हैं सर्कस में जो रोल प्ले करते हैं, जोकर का रोल प्ले करते हैं, तो वो इसी वजह से होता है। उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में से जो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो रहा है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में सीक्रेट होता है, तो अगर एक्सेस सीक्रेट होगा तो जायजेंटिज्म, और अगर कम सीक्रेट होगा तो ड्रॉपनेस, ड्रॉप मतलब छोटा। थायराइड ग्लैंड, अच्छा पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे टॉप पे होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का एक फंक्शन है कि बाकी सारे ग्लैंड्स को जाके कम्युनिकेशन करना कि भाई अब तुम्हारे हार्मोन सीक्रेट करो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड
एक एज अ कैप्टन का काम करता है कि खुद तो सारे हार्मोन सीक्रेट करेगा अपने, और उसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी के ग्लैंड्स को पोक करना, बाकी के ग्लैंड्स को कम्युनिकेशन देना कि भाई अब तुम्हारी टर्न है हार्मोन सीक्रेट करने की। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या क्या चीज़ों में हेल्प करता है? डाइजेशन, मेंटल डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म। हमारे जो मेटाबॉलिज्म है, जो कितना स्पीड से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है हमारे फूड को और बाकी सारी चीज़ों को, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म रेट। तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो ये सारी चीज़ें रेगुलेट करता है कि कितना डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, क्या मेटाबॉलिज्म रेट है। अगर थायरॉक्सिन सीक्रेट होता है तभी मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। और थायरॉक्सिन सीक्रेट होने की पर एक कंडीशन है, अगर हमारी बॉडी में आयोडीन होगा तभी थायरॉक्सिन सीक्रेट हो पाएगा। आयोडीन कहाँ पे पाया जाता है? जो भी हम सी सॉल्ट खाते हैं, जो पानी में से जो सॉल्ट निकलता है उसके अंदर आयोडीन होता है, और हमें हमारी बॉडी में जब वो आयोडीन जाता है तब थायरॉक्सिन सीक्रेट होता है। तो अब उन लोगों का क्या जो हिली एरियाज पे रहते हैं, वो लोग तो सी सॉल्ट खाते नहीं है, वो कौन सा सॉल्ट कंज्यूम करते हैं? दे कंज्यूम रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, जिसको हम सेंधा नमक बोलते हैं। लेकिन सेंधा नमक में आयोडीन नहीं होता है, तो वो अलग से कोई कैप्सूल्स वगैरह लेते हैं आयोडीन को अंदर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर थायरॉक्सिन सीक्रेट नहीं होगा तो बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, और जो एडल्ट है उनके गोइटर होने के भी चांसेस होते हैं। गोइटर क्या होता है? यहाँ पे नेक पे फूल जाता है एकदम, वो अडल्ट्स में ज़्यादा दिखता है। तो अगर थायरॉक्सिन नहीं सीक्रेट होता तो बच्चों में मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता और एडल्ट्स में गोइटर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए आयोडीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। थर्ड इज़ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज हमने देखा है, पेनक्रियाज दो तरीके से कम्युनिकेशन करता है, थ्रू डक्ट एंड थ्रू ब्लड। दैट इज़ ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि ब्लड से कम्युनिकेशन और हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। तो पेनक्रियाज दो तरीके से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, एक इंसुलिन एंड एक ग्लूकागॉन। दो हार्मोन सीक्रेट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, दोनों के अलग अलग फंक्शन है। पेनक्रियाज का जो काम है वो हमारे बॉडी के शुगर लेवल को मेंटेन रखना होता है। जो डायबिटीज़ हम बोलते हैं कि पेरेंट्स को डायबिटीज़ हो जाती है, और तो वो शुगर ऊपर नीचे जाने की वजह से होता है। तो पेनक्रियाज का काम है हमारे बॉडी के शुगर लेवल को मेंटेन करना, हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर होता है उसको मेंटेन करता। तो इट रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। तो जब भी हमारे बॉडी का ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, तो ये देखो ग्लूकागॉन कहाँ से आते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो जैसे ही हमारे बॉडी में शुगर कम हो जाता है तो ये जो ग्लूकागॉन है हमारे शुगर लेवल को ऊपर लेकर जाता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल मेंटेन रहता है। और जैसे ही शुगर लेवल ज़्यादा चला जाता है वैसे ही पेनक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से शुगर लेवल वापस कंट्रोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो वापस जब भी शुगर लेवल ऊपर जाएगा तो पेनक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट करेंगे ताकि वो वापस कंट्रोल पे आ जाए, और जब भी शुगर लेवल कम चला जाएगा तो अब ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो ग्लूकागॉन को सीक्रेट करेगा पेनक्रियाज, जिससे शुगर लेवल वापस मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पे हर ग्लैंड के अपने अपने बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और सारे हॉर्मोन्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट इज एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड बहुत ही इंटरेस्टिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं एडर्नलिन। हमारे अंदर जो भी एडवेंचरस चीज़ होती है वो सारी एडर्नलिन की वजह से होती है। एडर्नल ग्लैंड को फ्लाइट एंड फाइट ग्लैंड भी कहा जाता है। ये एडर्नलिन ऑल द टाइम सीक्रेट नहीं होता, बहुत ही जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तब एडर्नलिन सीक्रेट होता है। फाइट एंड फ्लाइट का मतलब, सपोज़ कि अभी हम जंगल में गए या हम ऐसे कोई भी हम रास्ते पे और हमारे पीछे कुत्ता पड़ गया, हम नॉर्मली जितना स्पीड में भागते हैं उतना स्पीड में नहीं भागते, हम उससे काफ़ी टाइम्स ज़्यादा स्पीड में भागेंगे, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है? एडर्नलिन की वजह से। जैसे ही एडर्नलिन सीक्रेट होता है तो क्या होता है, हमारी ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा हो जाती है,
और सारा का सारा ऑक्सीजन, सपोज अभी हमारे लेग्स को ज़रूरत है सारी एनर्जी की, तो सारा का सारा ऑक्सीजन लेग्स में चला जाता है, एड्रेनालिन सीक्रेट होता है और हमारे लेग्स को बहुत ज़्यादा पावर मिलती है, ठीक है। और जो भी ऑक्सीजन हमारे बॉडी स्किन को चाहिए, स्टमक को चाहिए, वो एक बार के लिए रुक जाती है और सारा ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, हमारे लेग्स में। उसको बोलते हैं टारगेटेड साइट। टारगेटेड साइट मतलब कहाँ पर अभी एड्रेनालिन की ज़रूरत है, लेग्स में, तो फिर हमारी स्पीड एकदम से बढ़ जाती है, राइट। सपोज अभी हम कोई फाइटिंग में, और ऐसा होता है ना कि अगर फाइटिंग में होते तब लगती नहीं है, पर उसके बाद जब हम घर जाते हैं तब पेन पता चलता है कि हाँ कहाँ पे पेन हुआ है, या फिर कोई हमने मैराथन में हमने पार्टिसिपेट किया है, कोई भी रनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ऑन द स्पॉट हमारे पेन नहीं होता, लेकिन थोड़े टाइम बाद पेन होना शुरू होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ एड्रेनालिन। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, तब हमारे बॉडी में एड्रेनालिन की वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, और जिसकी वजह से हम उस टाइम पे वो टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं। पर लेटर ऑन जब हमारी बॉडी नॉर्मल पे आ जाती है, तब हमारी बॉडी रियलाइज़ करती है कि कौन सी मसल्स कितनी ज़्यादा यूज़ हुई, और उसके बाद में हमारी मसल्स में पेन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एड्रेनालिन इज़ थोड़ा एडवेंचरस है, एडवेंचरस सिचुएशन पे हमें बहुत यूज़ आता है। तो ये हो गए हमारे फोर, और कमिंग टू नेक्स्ट इज ओवरीज एंड टेस्टिस। जो लास्ट हार्मोन है, ग्लैंड है, दैट इज़ ओवरीज एंड टेस्टिस। ये हमारे प्यूबर्टी के टाइम पे काम आते हैं। ओवरीज क्या हार्मोन सीक्रेट करती है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन। ये हॉर्मोन्स की वजह से फीमेल में फीमेलनेस आती है और मेल में मेलनेस, मतलब जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो इन हॉर्मोन्स की वजह से डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, तो ये भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। और हम सपोज अभी ऐसा भी होता है कि किसी में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है, ये सब क्यों होता है? क्योंकि अभी केमिकल का कंजम्पशन बहुत होता है। देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्लास्टिक के बॉल में गर्म चीज़ें खिलाते हैं, तो उस टाइम पे जो केमिकल सीक्रेट होता है वो टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा कम करता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन पे थोड़ा इफेक्ट डालती है। इसीलिए कहते हैं कि बहुत ही ऑर्गेनिक लाइफ हमें जीनी चाहिए, हमें केमिकल्स और ये सब नहीं कंज्यूम करना चाहिए, वो इन सब की वजह से, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ जाके इफेक्ट कर रही है हमें नहीं पता चलता, पर उसका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने यहाँ पे फाइव ग्लैंड्स कर लिए जो मेन ग्लैंड्स हैं। अब हम देखते हैं बाकी के ग्लैंड्स जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हैं। फर्स्ट इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या होता है? पीनियल ग्लैंड हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके थोड़ा सा नीचे सिचुएटेड है। वो क्या हेल्प करता है? हमारी स्लीप और अवेक साइकिल को एक्टिवेट रखता है, मतलब हम कब सोते हैं। ऐसा ही होता है ना कि सपोज अगर किसी का सोने का टाइम 10 o'clock है, तो उनको 10 approx के आजू बाजू नींद आने लग जाती है, तो हर किसी का स्लीप टाइम अलग अलग होता है, और हमारा ये जो पीनियल ग्लैंड है उसको ऑब्जर्व करता है और उसके अकॉर्डिंग वो स्लीप और अवेक करता है। ऐसा नहीं होता कि अगर हम सो रहे हैं तो हम कितने भी घंटे तक सो सकते हैं, ऐसा नहीं होता। एक टाइम, एक लिमिट के बाद हमें उठना ही पड़ता है, और अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर हम जगे हुए हैं तो हमें अपने आप नींद की नीड हो जाती है, ठीक है। तो वो पीनियल ग्लैंड है, वो हमारी पूरी स्लीप एंड अवेक साइकिल को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमस, जो वहीं पे सिचुएटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे ही। ये हमारे पूरे बॉडी टेम्परेचर, हमारी हार्ट बीट, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। ये सारा ऊपर ऊपर से हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या ग्लैंड का क्या क्या काम है। बाकी डिटेल में हम वो फाइव ग्लैंड्स को हम डिटेल में कर चुके हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो थायरॉयड ग्लैंड के नीचे की तरह सिचुएटेड है। क्या काम होता है उसका? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का। तो कैल्शियम अगर हम बहुत अच्छा एब्जॉर्ब कर पाएंगे तो हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है। तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो हमारे कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। नेक्स्ट कम टू थाइमस, हमारे कंट्रोल करता है WBC को। अगर WBC बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या बहुत कम हो जाते हैं तो उसका कंट्रोल करने का काम होता है थाइमस का। नेक्स्ट इज हाँ, ये हमने टेस्टिस और ओवरीज कर लिया। ये हमारे हो गए सारे एनिमल हॉर्मोन्स, हमने
प्लांट हॉर्मोन्स कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छी तरीके से किया कि प्लांट हॉर्मोन जो है वो ग्रोथ हॉर्मोन है, अब जो कुछ है वो ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन है, कुछ है वो एक है जो ग्रोथ इनहिबिटिंग हॉर्मोन है जो कि बहुत ज़रूरी है। वैसे ही हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ को कंट्रोल करता है, कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अब हमारा होता है चैप्टर ख़त्म। सभी स्टूडेंट्स जितने भी इसके ब्लू क्वेश्चंस हैं, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, जो भी पूरा चैप्टर है पूरा चैप्टर रीडिंग करो, जो भी डाउट्स वगैरह हो प्लीज़ मेरे को कल तक पूछो, कल पूछो या जब भी, तो ताकि मैं एक साथ डाउट कलेक्ट करके मैं एक वीडियो बना सकूँ उन डाउट सेशन की।